अगर शिया और सुन्नी अपने आप को दो अलग अलग सेक्ट मानते हैं और नेशन मानते हैं, तो क्या ये टू नेशन थ्योरी शिया और सुन्नी के लिए भी लगेगी? कौन है टू नेशन? बिकॉज कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना। आप क्या अभी तो अभी भी चीमा चट्टा चौधरी यही तो सरनेम मिलते हैं, और क्या सरनेम मिलते हैं? कुछ लोग मुगल लगा रहे हो, बात अलग है। कास्ट इशू बहुत ज्यादा है। वो कास्ट कह ले या जो कर ले, वो सरनेम उनका वही है ना, कास्ट सिस्टम। जैसे ही आपने कहा आपने इस्लाम को, तो फिर वो कर दिया ना टाटा गुड बाय, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो स्पेसिफिक फिनोमिना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो सिर्फ इंडिया में मिलता है, ये वैदिक सिस्टम से होता है। अब आप ये देखें कि आपके जो जो बड़े लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कुरान मजीद एक बहुत अच्छी किताब है, मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपकी सारी जो सिंधु नदी है, सप्त सप्त नदियां जो है, रावी सिंधु चेनाब, इनका वर्णन आपको वेदों में मिलता है, वेदों में इनके बारे में बताया गया है। तो आपकी हिस्ट्री को जो किताब एक्सप्लेन कर रही है, आप उसको कह रहे हो ये गलत किताब है। आप कुरान की किताब पढ़े, कुरान में जो अल्लाह ताला है वो अरब के नदियों के बारे में बताया उन्होंने, सेक्ट बन जाएंगे इंडिया में। रिलीजन इंडिया में न था न होगा, इंडिया में धार्मिक ट्रेडिशन चलता है, इंडिया कल्चरल कॉन्सेप्ट है। इंडियन अपने आप को लोग किसी भगवान की वजह से नहीं कहते, इंडियन अपने आप को कल्चर की वजह से इंडियन कहते हैं। तब उसका कोलैप्स कर जाएगा, जैसे अभी दुनिया ने आपको आपको ये पहली हिंट दी है दुनिया ने, दे आर गिविंग यू शॉक्स कि आप रियलाइज करो जितना आसान आप लेते हो चीजों को, दुनिया भर को मूर्ख बना करके कि ये भी कर ले वो भी कर ले, उसको भी मूर्ख बना दे उसको भी मूर्ख बना दे, उतना आसान होगा नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग इट वेरी हार्ड। अभी तक आपको $1.5 बिलियन जो कि बहुत छोटी रकम है वर्ल्ड बैंक के लिए, वो नहीं दे रहे आपको, नहीं दे रहे, बिकॉज दे वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। इस्लाम बोला मुसलमान की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहना चाहता, वो अपने लोगों से नफरत करता है, पता नहीं क्यों। अब आपके यहां तो पहले मैं ये खत्म कर दूं टू नेशन थ्योरी वाला, तो टू नेशन थ्योरी क्योंकि किसी ने कुछ लिखा नहीं, एक पेपर नहीं अवेलेबल है, एनालिसिस का ए नहीं है, तो भाई अब टू नेशन थ्योरी में अब ये मानिए कि हिंदू मुसलमान के लिए, चलिए मान लिया गया टू नेशन थ्योरी इतनी ज्यादा जनरल नहीं है, ये वेरी स्पेसिफिक है और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए अप्लाई करती है, ठीक है मान लेते हैं। तो टू नेशन थ्योरी 1947 के बाद खत्म हो गया या अभी भी कंटिन्यू कर रहा है? क्या जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और भारत का डिवीजन करके पाकिस्तान बन गया, तो टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई कि टू नेशन थ्योरी सरवाइव कर गई? पेच कस रहा है, क्योंकि आपने अमेरिका को जो डबल गेम खेला अमेरिका के साथ, कि आपने उससे कहा वॉर ऑन टेरर में हम आपके एलाई हैं हम मारेंगे, और आप वॉर ऑन टेरर का टेरर भी आप ही थे और वॉर भी आप लड़ रहे थे, आप समझ रही है, वॉर ऑन टेरर में टेरर भी आप थे और वॉर भी आप लड़ रहे थे, आप खुद से लड़ रहे थे। आप दुनिया को डबल गेम जब करते हो, जब आपका डबल गेम एक्सपोज हो जाता है, तो फिर लोग आप पास जो रुपया जो डॉलर कमाते हैं और जो डॉलर आपको देना है उसके बीच में योनिंग गैप है, बहुत जबरदस्त गैप है। तो आपको इंटरनेशनल ट्रेड से पहले डोमेस्टिक देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक को कैसे इंप्रूव करें, ठीक है ना। आप इकोनॉमिक को इंप्रूव करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तो पहले करें, जब आपकी इंटरनल इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी ना, तो आप बाकी एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को भी और ट्रेड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म लाए आप क्या आज भी लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसको आपके जो मौलानाओं ने वो फतवा दे दिया है कि जो जमींदारी है वो एक वैलिड एक्ट है अंडर होली कुरान एंड शरिया। अब जब तक लैंड ही नहीं होगा, या एक आदमी के पास दुनिया भर का लैंड होगा, या 150 लोग मिलकर के पूरे पाकिस्तान के लैंड पे कब्जा कर लेंगे, तो आप जो इकोनॉमी की जो बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड लैंड लेबर कैपिटल, ये तीन चीजें हम लोग पढ़ते थे बेसिक्स में। अब लैंड ही नहीं है आपके पास, गवर्नमेंट अक्वायर नहीं कर सकती क्योंकि उस पर लोगों के इंटरेस्ट है। तो अब आप जो जब आपके पास डोमेस्टिक आपकी इकोनॉमी, चूंकि आप प्रोड्यूस नहीं करते आपको सब चीज लेना पड़ता है, जब आपका खुद का प्रोडक्शन नहीं है तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, जब आपको इंपोर्ट करना पड़ता है तो वो आपका पैसा तो लेंगे नहीं, चूंकि मान लीजिए आप उनको रुपए में पेमेंट कर दीजिए, पाकिस्तानी पेमेंट में, वो रुपए वो ले लेंगे, आगे किसको देंगे वो, चूंकि आपका पैसा वो किसी और को नहीं दे सकते जो आपके साथ और ट्रेड कर रहा हो, सभी आपको सिर्फ बेच रहे हैं, कोई आपसे खरीद तो रहा नहीं है, तो इसलिए वो पैसा उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो आपको इनको मजबूर होकर डॉलर में पेमेंट करनी है, डॉलर में पेमेंट करनी है, तो डॉलर आएगा कहां से जब तक आप डॉलर कमाएंगे नहीं? मेरे ख्याल से आपके यहाँ डॉलर का जो सबसे बड़ा जखीरा आता है या जो सबसे बड़ा सोर्स आता है वो रेमिटेंसेज होंगे, जो पाकिस्तान बाहर के लोग रहते हैं वो बेचारे घर भेजते हैं,
उससे आपको कुछ डॉलर आता है, कुछ जो आपका एक्सपोर्ट से होंगे, लेकिन चूंकि वो इतना ज्यादा आपका डेफिसिट हो जाता है क्योंकि आप सब मंगवा रहे हैं ना, आप कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करते, और आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसका कारण है कि आपके यहाँ की जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो ठीक नहीं है। जब तक आप इंटरनल, आप एक पाकिस्तान एक कंट्री दुनिया की ऐसी है जिसका सब कुछ एक्सटर्नल है, उनका इंटरनल कुछ नहीं सर, है। आपने आपने अभी बात की कि पाकिस्तान में डॉलर सिर्फ रेमिटेंस की फॉर्म में आता है, तो आपको बताती चलूं कि सिर्फ रेमिटेंस ही एक ऐसा जरिया नहीं है, बल्कि आईएमएफ से लिया हुआ कर्जा भी तो इसमें इंक्लूडेड है। वो भी रेमिटेंस ही कह लीजिए ना, क्योंकि देना तो है ना आपको वापस रेमिटेंस। मतलब कहने का मतलब है कि सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है ना। देखिए, कमाना एक अलग चीज है, उधार लेना अलग चीज है, बात आपकी सही है, लेकिन आप कमा नहीं रहे हैं, और आप कमाएंगे तभी महवीश जब आप जो है अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को इंप्रूव करेंगे, ताकि दुनिया आपसे खरीदे। आप समझ रही हैं, जब दुनिया आपसे खरीदेगी तो आपके पास पैसा आएगा। अभी दुनिया आपसे कुछ नहीं खरीदती, बहुत लिमिटेड खरीदती है, और उसके बाद आप अगर लोन ले रहे हैं तो फिर उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू अभी वो नहीं रहेगी समाज में, इंटरनेशनल वैल्यू ट्रेड में। उसका कारण यह है कि आपके पास कुछ नहीं है दुनिया को बेचने के लिए, और चूंकि आप बेच नहीं रहे तो डॉलर आ नहीं रहा है, डॉलर आ नहीं रहा है तो आपको खरीदने में भी दिक्कत होगा, चूंकि अब आप डॉलर है ही नहीं आपके पास, तो आपको डॉलर आप कमा तो सकते नहीं, तो आपको डॉलर उधार लेने पड़ते हैं। अब आप डॉलर उधार ले रहे हैं तो आप एक विशियस साइकिल में है, क्योंकि आप दोबारा जब इस डॉलर को चुकाने जाएंगे तो आपकी इकोनॉमिक जो है वो जो 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 फंडामेंटल्स होने चाहिए वो है ही नहीं है। यू आर नॉट अर्निंग, यू आप उधार लेके उधार चुका रहे हो ना। आप समझिए, असेट जो है जो रुपया होता है वो किसी असेट का वैल्यू होता है, आप क्या वो एसेट ही नहीं है। रुपए तो आ रहे हैं, मतलब इन जो जो कैश है वो तो आ रहा है, पर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट नहीं है। तो इसका कारण ये हो रहा है कि आप एक विशियस साइकिल में है, आप और डॉलर लेंगे, फिर मजीद और डॉलर लेंगे, फिर मजीद और डॉलर लेंगे। इससे होगा ये कि अंत में आपकी कंट्री जो है वो सपोर्ट सिस्टम उसका कोलैप्स कर जाएगा। जैसे अभी दुनिया ने आपको आपको ये पहली हिंट दी है, दुनिया ने, दे आर गिविंग यू शॉक्स, कि आप रियलाइज करो जितना आसान आप लेते हो चीजों को, दुनिया भर को मूर्ख बना करके कि ये भी कर ले वो भी कर ले, उसको भी मूर्ख बना दे उसको भी मूर्ख बना दे, उतना आसान होगा नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग इट वेरी हार्ड। अभी तक आपको 1.5 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत छोटी रकम है वर्ल्ड बैंक के लिए, वो नहीं दे रहे आपको, नहीं दे रहे, बिकॉज दे वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। आपको मतलब जनता को नहीं, पाकिस्तान की जनता से मुझे बहुत प्यार है, सर, गवर्नमेंटल मगर पॉलिसीज को। पाकिस्तान, डोंट यू थिंक सो, पाकिस्तान इज अ काइंड ऑफ कंट्री जिसने 75 इयर्स में नहीं सीखा, नहीं समझा, तो अब क्या समझेगा? क्या सिखाना चाहती हैं आप ये बता दीजिए, पाकिस्तान को क्या सिखाना चाहती है महवीश? अगर आप, मैं कहता हूं महवीश को मैं सारी पावर देता हूं, तो महवीश पाकिस्तान के लोगों को क्या सिखाएगी बताओ बेटा? सर, पाकिस्तान के लोग अगर पाकिस्तान को सिर्फ ओन करना शुरू कर देना फॉरेन कंट्रीज में जाके, तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नहीं, फॉरेन कंट्रीज में वो ओन करते हैं, मेरे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, इमरान खान के सारे फैन हैं। आप अभी आप जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने ना वो एक डैम के लिए, हाँ जो सर, हाँ आप बोले आप बोले आप बोले महवेश। करना अपनी जात की हद तक काफी नहीं होता? आप ओन करना सिर्फ अपनी जात की हद तक काफी नहीं होता? डोंट यू थिंक सो कि दूसरी कंट्रीज में जाके जहां हमको अपना मफाद दिखता है, वहां हम अपनी नेशनैलिटी बदल लेते हैं? बहुत अच्छा खासा हमारे पास एवरेज रेशियो ऐसे लोगों का आता है जो फॉरेन कंट्रीज में पाकिस्तानी होने के बावजूद खुद को पाकिस्तानी नहीं बताते, क्योंकि उनके कंट्री का इमेज ऐसा नहीं होता कि वहां उनको फैसिलिटीज दी जा सके, वहां उनको अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, वहां उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको पाकिस्तान की रियलिटी पता होती है, वो जानते हैं कि हम इंडियन है। कई लोग उस थ्योरी को नहीं बाई करते, वो नहीं बाई करते कि टू नेशन थ्योरी और हम इंडियन से सिर्फ रिलीजन होने के नाते अलग हैं। कईयों को वो बाहर जाके एहसास हो जाता है कि यार ये क्या बकवास है, हम तो एक ही लोग हैं, तो वो इंडियन कहते हैं। कई लोग चेंज करते हैं अपनी नेशनलिटी, तो नेशनलिटी तो कई लोग चेंज करते हैं, इंडियंस भी जाकर के बाहर की नेशनलिटी ले लेते हैं, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, वो इंडियन हमेशा बने रहते हैं, वो इंडियन, क्योंकि वो आप इंडियन को बोलिए तुम इंडियन नहीं हो, तो वो बेचारा मतलब वो हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो सिटीजनशिप ले लेगा लेकिन वो ओआईसी को ज्यादा पकड़ेगा, वो जो ओवरसीज इंडियन कार्ड कहते हैं हम लोग उसको, वो सबसे पहले ओआईसी पकड़ना चाहता है, वो अपनी रूट नहीं खोजना चाहता। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है ना, जब आप कह रही हो कि पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को लेकर बाहर, भाई वो क्या उसकी आइडेंटिटी है?
वो पंजाबी कह नहीं सकता अपने आप को, बोलता उर्दू है वो अपने आप को अगर पहले पंजाबी बोल दे तो फिर वो टू नेशन थ्योरी को, क्योंकि पंजाबी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अथीस्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम तो सिर्फ और सिर्फ बिलीवर होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो बोलेगा कि मैं पहले पंजाबी हूं तो आपके यहाँ कौमियत आ जाएगी, जिसको कि आपकी कंट्री का जो जो थिंक टैंक है वो ठीक नहीं समझता, क्योंकि वो समझता है एक ही कौमियत होनी चाहिए। तो आप फिर चली जाएंगी अपने फंडामेंटल डिबेट पे, जो जिसपे मैं आना नहीं अच्छा चाहता मुझे अभी। मुझे एक बात बताएं अभिषेक जी, मुझे एक बात बताएं, टू नेशन थ्योरी जो है आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल प्ले करती है दोनों रिलीजन्स के दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट करने में? देखिए, टू नेशन थ्योरी रिलीजन के दरमियान वो नहीं करती डिफरेंस क्रिएट। टू नेशन थ्योरी नेशंस के दौरान वो क्रिएट करती है डिफरेंसेस। तो टू नेशन में टू क्या दोनों है? थिंग्स हो कि दोनों नेशंस के जो डिफरेंट रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो उसके बाद और बढ़ गए और कभी वो दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते? नहीं है ना, ये गलत है ना। देखिए, दूसरा वाला रिलीजन नहीं है, हिंदुइज्म कभी रिलीजन था नहीं, सनातन कभी रिलीजन बनेगा नहीं। सनातन टिक ही इसलिए गया, सनातन बच ही इसलिए गया, क्योंकि सनातन कोई रिलीजन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिलीफ सिस्टम है। आप क्या रिलीजन तभी होगा जब आपके मौलाना और मौलवी होंगे। आप मौलाना मौलवी काजी मुफ्ती हटा दीजिए, आपका रिलीजन आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि यही तो आपको सिखाते हैं ना कि भाई रिलीजन जानना है तो उलेमा इकराम के पास जाइए। तो रिलीजन इज अ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ सिस्टम, जबकि जो इंडिया में है वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है। वो उनका चूंकि वो सीकर्स हैं तो उनके यहाँ इतनी ज्यादा वेरिएशन है, इतनी ज्यादा वेरिएशन है कि वो रिलीजन आप उसको कहीं नहीं सकती। दैट्स अ धार्मिक ट्रेडिशन, धार्मिक वैल्यू सिस्टम में कई अलग अलग सेक्ट्स रूल आ गए हैं, वो एक अलग चीज है, बट दे आर नॉट रिलीजन एट ऑल। इंडिया में अगर आप रिलीजन देखिएगा तो शेवाइट अलग रिलीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद वेस्ट वाइट अलग हो जाएंगे। मतलब अभी आप देखिए वो कर्नाटक में हमारे यहाँ वो है, मतलब कई सेक्ट बन जाएंगे इंडिया में। रिलीजन इंडिया में न था न होगा, इंडिया में धार्मिक ट्रेडिशन चलता है, इंडिया कल्चरल कॉन्सेप्ट है। इंडियन अपने आप को लोग किसी भगवान की वजह से नहीं कहते, इंडियन अपने आप को कल्चर की वजह से इंडियन कहते हैं, और उसी कल्चर में ये भी, जैसे मैं हूं, मेरा किसी पर भगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं भगवान जो प्रभु राम है उनके आदर्शों का पालन करता हूं। वो क्योंकि वो मेरे कल्चर का पार्ट है, मैं उसको कल्चरली देखता हूँ डिविनिटी से ज्यादा। तो पॉइंट यह है कि इंडिया में आप रिलीजन नहीं ला सकती। रिलीजन पे तीन चीजें होती हैं मस्ट। एक आपको खासकर अब्राहमिक फेथ में यूनिटी ऑफ गॉड, तौहीद जिसको आप कहती है, फिर उसके बाद आप कहती है मूर्ति पूजा शिर्क का ना होना, और एक पैगंबर का होना। ये अब्राहमिक फेथ पैगंबर्स के द्वारा आता है। धर्मा में कोई पैगंबर कौन लेके आया है? सनातन किसने सुना था? कौन है सनातन में जिस जो ये कह रहा है कि मैंने वेद सुना? किसी को पता ही नहीं है। तो और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कोई ऐसे मैसेंजर्स नहीं आए ना। अब्राहमिक फेथ इज डिपेंडेंट ऑन मैसेंजर्स। सनातन में मैसेंजर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सनातन में ऋषि ऋषि मुनि जो है वो फिलोसफर्स बने, साइंटिस्ट बने, उन्होंने एक्सप्लेन किया फिलोसफी को। दे नेवर सेड कि मेरी भगवान से बातचीत होती है या आई स्पीक टू गॉड, दे नेवर क्लेम दैट। वो उनके यहाँ नहीं है। ये पैगंबर सिस्टम अब्राहमिक फेथ की देन है और उनका कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पे जो है वो फिलोसफी, इसीलिए हमारे यहाँ पुराण या ब्राह्मणाज ये सब लिखे गए, विच इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थ्योरी। आप समझ रही है? सो दो अलग अलग चीजें। अब लेट्स कम टू टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी में सबसे पहले टू पे फोकस कीजिए। टू, व्हाट इज टू? एक नेशन थ्योरी की बात नहीं कर रहे, दो नेशंस की थ्योरी। इसमें चार क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा महावीश। सबसे पहला कि वो दो नेशन कौन है? सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए ये टू नेशन है, या मुसलमान क्रिश्चियन, हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू बुद्ध, बुद्ध क्रिश्चियन, बुद्ध मुसलमान, सबके लिए है टू नेशन? में ये तो नहीं कहा गया कि हिंदू मुसलमान नेशन, वो तो कह रहे हैं टू नेशन। पहला क्वेश्चन ये कि हु आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज टू नेशंस? लाइक क्या क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट भी साथ में नहीं रह सकते? क्या क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट दो अलग अलग नेशन है? क्या रिलीजन से नेशन बनता है? अब अभी आप मिलती, मेरे एक फ्रेंड आई हुई थी तो मैं आपसे बात करवाता हूँ, वो यही कजाक है, तो मैं उससे पूछ रहा था भाई तुम्हें कजाक हो, मान लो कजाक मुस्लिम है, वो कजाक दूसरे किसी रिलीजन से शादी करना चाहता है तो क्या होता है? बहुत मारपीट होती है, बोलते हैं हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, देखते ही नहीं है कि कौन क्या है, कजाक है, दैट्स इट। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इस्लाम की, या सॉरी इस्लाम बोला, मुसलमान की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं करना चाहता, वो अपने लोगों से नफरत करता है, पता नहीं क्यों। अब आपके यहाँ, तो पहले मैं ये खत्म कर दूं टू नेशन थ्योरी वाला। तो टू नेशन थ्योरी, क्योंकि किसी ने कुछ लिखा नहीं, एक पेपर नहीं अवेलेबल है, एनालिसिस का ए नहीं है,
तो भाई अब टू नेशन थ्योरी में अब ये मानिए कि हिंदू मुसलमान के लिए, चलिए मान लिया गया टू नेशन थ्योरी इतनी ज्यादा जनरल नहीं है, ये वेरी स्पेसिफिक है और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए अप्लाई करती है, ठीक है मान लेते हैं। तो टू नेशन थ्योरी 1947 के बाद खत्म हो गया या अभी भी कंटिन्यू कर रहा है? क्या जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और भारत का डिवीजन करके पाकिस्तान बन गया तो टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई कि टू नेशन थ्योरी सर्वाइव कर गई? फिर क्या टू नेशन थ्योरी सिर्फ रिलीजन की होगी? अगर पठान और पंजाबी ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखना चाहते तो क्या टू नेशन थ्योरी अप्लाई करेगी या नहीं करेगी? क्या टू नेशन थ्योरी सिर्फ पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए है या ये सारे मुसलमानों के लिए है? अगर शिया और सुन्नी अपने आप को दो अलग अलग सेक्ट मानते हैं और नेशन मानते हैं तो क्या ये टू नेशन थ्योरी शिया और सुन्नी के लिए भी लगेगी? कौन है टू नेशन? बिकॉज कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर मुसलमान बना ना, आपके यहां भी तो अभी भी चीमा चट्टा चौधरी यही तो सरनेम मिलते हैं, और क्या सरनेम मिलते हैं? कुछ लोग मुगल लगा रहे हो, बात अलग है। वो कास्ट कह लें या जो कर लें, वो सरनेम उनका वही है ना, कास्ट सिस्टम। जैसे ही आपने कहा आपने इस्लाम को तो फिर वो कर दिया ना, टाटा गुड बाय, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो स्पेसिफिक फिनोमिना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो सिर्फ इंडिया में मिलता है, ये वैदिक सिस्टम से होता है। अब आप ये देखें कि आपके जो जो बड़े लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, वो कुरान मजीद एक बहुत अच्छी किताब है, मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन आपकी सारी जो सिंधु नदी है, सप्त सप्त नदियां जो हैं, रावी सिंधु चेनाब, इनका वर्णन आपको वेदों में मिलता है, वेदों में इनके बारे में बताया गया है। तो आपकी हिस्ट्री को जो किताब एक्सप्लेन कर रही है आप उसको कह रहे हो ये गलत किताब है। आप कुरान की किताब पढ़े, कुरान में जो अल्लाह ताला है वो अरब के नदियों के बारे में बताया उन्होंने, अरब की जो 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 ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बारे में बताया है। इवन टोरा पढ़े वो वहां पे कहता है गॉड ऑफ इजराइल, गॉड ऑफ वर्ल्ड तो बोला नहीं, गॉड ऑफ इजराइल बोलते हैं उनको, वो यहोवा को। पॉइंट ये है कि आपकी सारी हिस्ट्री वेदों में दी हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हम हिंदुस्तानी नहीं है। जो किताब चिनाब नदी के बारे में बात कर रहा है और रावी नदी के बारे में बात कर रहा है, झेलम की बात कर रहा है, वो किताब आपकी किताब नहीं होगी, उससे आपकी आइडेंटिटी नहीं आएगी। भाई आप अपना अकीदा बदल लीजिए, कोई आपको कोई भगवान नहीं पसंद है इंडिया वाले, ठीक है, एक नए अल्लाह ताला है आप उनको माने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे मानते हैं। अब जैसे आप कजाकिस्तान के 70% लोग मुसलमान है महवीश जी, लेकिन कजाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को बीमारी है कि वो उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। अगर अरबी बोले तो हम मान भी ले, हिंदुस्तानी लोग बनाना चाहते हैं। कोई मुझे उज्बेक नहीं मिला आज तक जो कह रहा है हम इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान बनाएंगे। वो कहते हैं हमारी हिस्ट्री है, हम अपनी हिस्ट्री से प्यार करते हैं। कभी उज्बेक ने, आपने सुना है कि बाबर अपने पूर्वजों को गाली दे रहा हो कि हम अपने पूर्वजों को पसंद नहीं करते? ये सिर्फ हमारे यहां हो रहा है कि रिलीजन के साथ वो अपनी हिस्ट्री से, अपनी इतिहास से, अपने लोगों से नफरत करते हैं। अब क्यों करते हैं इसका मेरे पास कोई चारा नहीं है। कमिंग बैक टू टू नेशन थ्योरी, सो टू नेशन थ्योरी क्या 1947 में खत्म हुई कि अभी तक चल रही है? और टू नेशन थ्योरी क्या अभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान है उनके ऊपर लगे रही है? टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने का अधिकार खाली मुसलमानों का था या हिंदुओं का भी था? अगर मुसलमानों ने कह दिया हिंदुस्तान के कि हम टू नेशन थ्योरी नहीं मानते, तो क्या हिंदू जो है वहां का वो ये कहेगा कि हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं और अब आपको आपका मुल्क मिल गया तो आप चले जाइए? या ये कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को है कि हम ही नहीं रह सकते, बाकी सबको हमारे साथ रहना है तो हमारे अंडर में रहो, हमारे पैरों के नीचे रहो, जूतों के नीचे रहो? ये क्या कॉन्सेप्ट है? इंसानों को आप इक्वलिटी दे नहीं सकते तो फिर आप दूसरों से कैसे इक्वलिटी की उम्मीद कर रहे हैं? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। सो टू नेशन थ्योरी इज एन आउटडेटेड एंड प्लस इट वॉज नेवर अ जेन्युइन थ्योरी, इट वॉज बेस्ड ऑन लोड्स ऑफ अजम्पशंस। कोई बंदा जिसको 0% ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी है वो उसमें 500 पंचिंग होल बता सकता था। जो मैंने आपको इतने क्वेश्चन पूछे, आप जाके किसी से पूछिए कि भाई टू नेशन खाली हिंदू मुसलमान के लिए है या बुद्धिस्ट मुसलमान के लिए है, बुद्धिस्ट क्रिश्चियन के लिए है, कि कोई भी रिलीजन दो अलग अलग है तो साथ में नहीं रहेगा? ये ऐसा थ्योरी क्यों है? क्या 1947 के बाद खत्म हो गया? क्या हिंदू अभी भी मुसलमान नहीं मानते? हिंदुस्तान का मुसलमान बोलता है हम नहीं मानते टू नेशन थ्योरी, लेकिन भाई हिंदू का हमारा सवाल, अगर ये सवाल बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी मैं आपसे करूं तो आपका क्या जवाब होगा टू नेशन थ्योरी के बारे में, कि मैं उसको मानता हूं कि नहीं? टू नेशन थ्योरी बकवास थ्योरी है।
मैं कैसे मान सकता हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है, मेरे पूर्वजों ने तो मुझे दिया एकम सद बहुधा विप्रावदन्ति, मेरे पूर्वजों ने तो ये दिया कि मेरा तेरा तो छोटे लोग करते हैं, जो बड़े चरित्र वाले उदास चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम अहम निजम परोति, जो एक हमारा ज्ञान हमारी फिलॉसफी है कि मेरा तुम्हारा ये छोटे लोग करते हैं, छोटी मानसिकता के लोग, जो विद्वान होते हैं, जो बड़े चरित्र वाले उदार चरित्र वाले होते हैं, वो समस्त वसुधा को, समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, सब चीज को अपना परिवार मानते हैं और उसी के साथ मानते हैं। वो नहीं कहते मेरे जैसा बन जाओ। हिंदुस्तानी योगा जाके दुनिया में फैलाता है तो ये नहीं कहता कि अब योग कर रहे हो तो अपने अपने भगवान को छोड़ दो, वो ये नहीं कहता। वो कहता है योग करो, आप क्रिश्चियन हो तो आप जीसस क्राइस्ट को पूजा करते हुए आप अपना योग करें, आपको फायदा मिलेगा। वो कहीं नहीं जाता, वो ये कहता है कि अपने आप को छोड़ो, अगर योग करना है तो पहले अपना पुराना चीज को गाली देना छोड़ो, ये वो नहीं कहता। तो हम अपना अकीदा कैसे छोड़ दें? हमारे अकीदे में ये है ही नहीं भाई, हमारे अकीदे में सबको मानना है। हमारा अकीदा ये है, एक आपका अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा अकीदा है एकम सत बहुधा विप्रावदन्ति। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब देयर इज नो गॉड बट गॉड, और किसी उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि सब इबादत के लायक है, सब सही है। तो आपके जब आपका जो थ्योरी से चलने वाला जो आदमी होगा वो टू नेशन थ्योरी ही लाएगा, कहेगा तुम गलत हो। मेरे जैसे पे जो जो मेरी थ्योरी पे चलने वाला आदमी है वो तो कहेगा सब नेशन एक है भाई, सब मेरा परिवार है। मेरे परिवार में मैं ये कहने का साहस रखता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं जैन हूं, मैं अथीस्ट हूं, मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ नहीं हूं। ये कहने की फ्रीडम मुझे सिर्फ मेरा अकीदा देता है, सनातन देता है, कि तुम कुछ भी बन जाओ, वो आपको आपके दिमाग पे रोकता नहीं है। इतनी लिबरेटेड सोसाइटी तो मैं तो टू टू मैं या तो अगर मैं कहूंगा कि टू नेशन थ्योरी तो मैं वसुधैव कुटुंबकम को रिजेक्ट कर दूंगा कि सारा परिवार ही एक, सारा सारी पृथ्वी एक परिवार है भाई। परिवार के लोग तो साथ में रहते हैं, परिवार के लोग अलग थोड़े रहते हैं। टू नेशन थ्योरी का इंडियन थ्योरी में जो इंडियन फिलोसफी को समझता है वो आदमी बोल ही नहीं सकता। जैसे आप देखें हिंदुस्तानियों ने कभी भी, आज तक आप देखें जो राजा हुआ थे पुराने काल में, वो कभी किसी का धर्म स्थान नहीं तोड़ते थे। भगवान राम जब गए रावण में, रामायण लंका में जीते, उनकी पत्नी को रावण ने अगवा कर लिया था, तो वो ये नहीं कहे कि इसकी पत्नी को उठा लो और श्रीलंका की सारी औरतों को उठाओ और बेच दो यहाँ पे, या अपने लोगों को कहा कि ले जाओ औरतें, नहीं कहा उन्होंने। हमारी हमारी मतलब हमारी सभ्यता नहीं है ये। हमको तो ऐसी ऐसी बातें हमारे ऊपर बता दी गई जो हमें नहीं पता कि हमारी सभ्यता में होती थी। तो खैर पॉइंट ये कि आपके आपके क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, चूंकि मेरी थ्योरी जो है वो है एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, यानी एक सत्य है, उसको विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। आपको आपके विद्वान प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, आपका सच वो आपको मुबारक हो। मैं आपके सच को कभी गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपका सच ही सच है। किसी को बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध ने उसका उसको सच बता दिया, उसको बुद्धिज्म मुबारक हो। वो किसी को लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने बता दिया, उसको जीसस क्राइस्ट का वो सच मुबारक हो। किसी को जैनिज्म तीर्थंकर जो ऋषभ देव जी थे, जो महावीर थे, उन्होंने सच बताया, उनको उनका मुबारक हो। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सब सही है, सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। को एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट तो ये यूरोपियंस को तो अभी समझ में आया, रेनेसा के पहले, हमारे बहुत पहले ही कह दिया था। आपने कोएग्जिस्टेंस की बात की तो इंडिया खुद को सेक्युलर कंट्री कहते हैं, डू यू रियली थिंक कि वहां रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोएग्जिस्टेंस है हिंदुस्तान के अंदर? भाई भाई एक ही तो कम्युनिटी है जो कोएग्जिस्टेंस की बात को डिनाई करती है, वो मुसलमान है। भाई आप इंडिया में रह के इंडिया की हिस्ट्री को ही डिनाई कर दो, कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है भाई? कोएग्जिस्टेंस का मतलब थोड़े कि हम खत्म ही हो जाएंगे, कोएग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट तो करें हम। आप कह रहे हो कि मैं मूर्ति पूजा गलत, आप कह रहे हो कि हमारी लाइफस्टाइल गलत, आप कह रहे हो कि गजवाई हिंद होगा और यहाँ पे सब कुछ को सबको कन्वर्ट। आप किसी राह चलते मुस्लिम से पूछ ले इंडिया में, वो बोलेगा हाँ एक दिन सबको, सब हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट होना है। तो ये कोएग्जिस्टेंस है, कोएग्जिस्टेंस आपके अंदर भी लाना होगा कि आप भी मंदिर में आओ और अपना अकीदा अपने साथ रखें। एक तरफा कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता कि आप मेरे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वो, अगर कोई ऐसी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है जो मेरे इम्यून सिस्टम को खाना चाह रहा है या मुझे बीमार करना चाह रहा है, उससे तो हम लड़ेंगे ना, कि आप कहने के मुझसे लड़े भी नहीं। अब आप देखें पाकिस्तान जो है, लाहौर है, या यहाँ पे तक्षशिला है, पाकिस्तान में हिंगलाज माता है, पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, ये सब खत्म है।
पाकिस्तान में आप, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप बताइए ये पाकिस्तान का मतलब है, मतलब मोहनजोदाड़ो से कोई मतलब? पाकिस्तान के जन्मे हुए लोग कह रहे हैं हम यहाँ रियासत मदीना बनाएंगे जहां पे राम राज्य होना चाहिए, क्योंकि लाहौर प्रभु राम के बेटे के नाम